कॉलर अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुनाफ बात कर रहा हूँ इंडिया से। जी माशा अल्लाह, वालेकुम सलाम, फरमाइए। कि जो मोकिलात है वो क्या चीज़ है? कोई कहता है वो जिन्नात है, तो कोई कहता है वो फरिश्ते हैं, जैसे बारिश का फरिश्ता, और ऐसे जिब्राइल इज़राइल, ऐसे जो चार फरिश्ते हैं वैसे ही वो फरिश्ते फरिश्तों को कहा जाता है मोकिल, तो उसमें कुछ बता दीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हज़रत से पूछते हैं, बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। असल में मुवक्किल का माना होता मुकर्रर किया हुआ, किसी को किसी जगह पर तौकील कर दी गई, वहां मुकर्रर कर दिया गया। असल लुगवी माना ये, इस लुगवी माना के एतबार से मलाइका को भी मुवक्किल कहते हैं, जिन्नात को भी मुवक्किल कह देते हैं, हमजाद को भी मुवक्किल कह देते हैं, इस लुगवी माना के एतबार से। तो अगर फरिश्तों को भी किसी जगह मुवक्किल कहा गया तो इसका मतलब है कि वो लुगवी माना के एतबार से मुकर्रर किए हुए हैं फलां फलां कामों के लिए, लिहाजा मलाइके भी होते हैं। लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं, यह आम हमारे अमलियात की दुनिया के अंदर जो मुवक्किल कहा जाता है, यह असल में जिन्नात की एक किस्म, एक मखलूक है। जैसे जिन्नात एक मखलूक है, हमजात एक मखलूक है, ऐसे मुवक्किल भी एक मखलूक है। लिहाजा उसके अंदर सबसे कमजोर मखलूक मुवक्किल होती है, उससे ताकतवर मखलूक जो है वो जिन्नात होती है, उससे ताकतवर मखलूक हमजात कहलाती है। ये तीन दर्जे हैं। तो मुवक्किल जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पर मुकर्रर मुवक्किल होते हैं, तो गोया कि वो जिन्नात की तरह की एक किस्म है, जिसको जो है वो आमलीन जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ये मशकों के साथ, चिल्लों के साथ उनको कैद भी करते हैं, कब्जा भी करते हैं, फिर उनसे काम भी लेते हैं, उनको मुख्तलिफ चीज़ों पर मुकर्रर भी करते हैं, तो वो मुवक्किलात होते हैं। अगरचे हज़रत हकीमुल्लुम्मत मुजद्दिदे मिल्लत मौलाना शबरी थानवी रहिमुल्लाह ताला ने यह फतवा दिया है, फरमाया कि इन ये चूंकि आज़ाद मखलूक होती हैं, जिन्नात हैं, मुवक्किलात हैं, इनको किसी अमलियात के जोर पर कब्जा करना यानी उनको गुलाम बनाना, कैद करना, ये जायज़ नहीं है। क्योंकि आज़ाद मखलूक को गुलाम करना ज़बरदस्ती, इसकी इजाज़त शरीयत के फतवे की रूह से नहीं है। हाँ, वैसे अगर आपके दोस्त बन जाएं, आपसे राबता हो जाए, दोस्ती हो जाए और आपकी मुख्तलिफ मौक़ों पर मदद करे, जैसे इंसान इंसान का मददगार बन जाता है फ़ौकुल असबाब चीज़ों में, इसी तरीके से जो है वो मातहतल असबाब चीज़ों में, इसी तरीके से ये भी आपके मददगार बन सकते हैं। जैसे जानवर हैवानात हमारे मददगार बनते हैं, ऐसे ये मुवक्किलात जो है जिन्नात, ये भी आपके मददगार बन सकते हैं। लेकिन ये मातहतल असबाब, माफौकुल असबाब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात मददगार बनती है, मातहतल असबाब चीज़ों में ये आपके मददगार बन सकते हैं। उसी वजह से जो आमलीन जो है इनको कैद भी करते हैं और इनसे मुख्तलिफ काम भी लेते हैं, तो ये होते मुवक्किल होते हैं। ये एक मखलूक है अल्लाह तबारक व ताला की, जो मुख्तलिफ उमूर जो है सर अंजाम दे सकती है। अच्छा, माशाल्लाह।